Hey guys, welcome back to a new vlog. और today is 19th June, so सुबह का एक हमारा मेरा और दीदी का एक प्लान था जो आप लोगों के लिए स्पेशल था, बट सीजर पूरी रात हम लोगों को परेशान कर दिया, चैन से सोने नहीं दिया, तो हम सुबह उठे हैं 7 बजे, तो इसलिए वो प्लान हम लोगों से सफल नहीं हो पाया। मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगा, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाए क्योंकि रात में सोए नहीं ठीक से, तो वो चीज़ शूट नहीं हो पाई मॉर्निंग में। अभी मॉर्निंग का भी प्लान था कुछ, कोई नहीं, अब कल करने की प्लान करते हैं, तो कल पक्का कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सीधे जगह भी देगा तब भी जग करके ही करना पड़े, पर करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। बाकी भाई तो दीदी यहाँ पे भी उतना रेडी हो रही है, स्टडी क्लासेस देना है आपको, क्लासेस देने के लिए, और सीजर आगे पीछे मम्मी घूम रहे हैं कि मम्मी को खाना दे दे। ये देखिए मम्मी को पापा बोल रहा है मुझे खाना दे। अरे सर खाना कहाँ गया, मम्मी खाना खा गया इसका, सीजर का इसका खाना निकला हुआ है दही के साथ। हम लोगों का भी तो बनाने दो, आ जाओ एक्साइटमेंट चाहिए। इनके हाथ छू के कह रहे थे तो चाहिए। चाहिए सीधा खाना चाहिए। चलो हटो देता हूँ। हाँ देखिए देखिए हाथ से कहता है कि दो। अच्छा हटो हटो दे देते हैं, हटो हटो। फाइनली इसको मिल गया है खाना, सीजर को खाना दे दिया है। अब चलिए हम लोग भी करते हैं लंच और करते हैं अपना दिन स्टार्ट। टी ब्रेक। हेलो गाइस चाय पी लो। ये क्या छोनी सीजर, ये चाय बेटा ये कहाँ है, ये कहाँ है, अरे निकलो बाहर निकलो निकलो। आज मम्मी क्या था, होए होए मर जाते कुछ देर में। ये देखो सीजर फ्रिज के अंदर ही बैठा है पर गेट खुला हुआ है, मजा आ रहा है तुमको। मम्मी इधर आओ। मम्मी एक्सप्रेशन देखने लायक। सब्जी का टोकरी निकाल देती आज नहीं अमन, अमन निकाला है। और ये देखो एक फ्रिज देखा खुला हुआ, तुरंत जाके उसमें बैठ गया। सिजू निकलो, सिजू मैं नहीं निकलूंगा। सिजू बिट्टू निकलो, आ जाओ बाहर आ जाओ ना। चाय पी रहे थे और इतने में इसने क्या कर लिया अपने साथ, बहुत मजा आ रहा है इसको। और अब इसको नहला ही दो दीदी। हां चल दो उसको मन है। आ थेरे दे ये नहाते नहाते उसको खेलना याद आ गया। जाओ नहा लो। सीधर कटे होके नहा रहा है, मजा आ रहा है सीधर। और पानी में खेलो, तुमको बहुत मजा आता है पानी में। मुइया अभी रुक जाओ, मुइया अलग से धो जाती है।
अजीब ही लग रहा है, कड़े होके ना रहा है। हाँ कोई कोई नहीं, कोई बात नहीं, पैर ही हाथ नीचे रख लो ना, ये वाला ये हाथ हाथ धोवाओ उसका, वही करना है हाथ, हाथ धो लो कोरोना का टाइम है सीधर क्या? जैसे अपने आधा घंटा नहाती है 5 किलो शैम्पू से, वैसे इसका बस चले तो पूरा डब्बा का एक बार में नहला दे इसको। तुमको शैम्पू खत्म होने का नहीं, बच्चे को लग जाएगा इसलिए, ये अपने 3 घंटा नहाती है ना, वैसे ही सोच रही है। मम्मी ऐसे नहीं होता, इसको नहला, ऐसे नहीं होता, छोटा है ना, बस करो, देख रही कैसे पकड़ा हुआ है, बस हो गया, रुक जाओ आओ भैया। मम्मी को ज्यादा चिंता हो रही है, और बच्चा है ना बेटा, लग रहा है बेचारे को कि नीचे खड़ा करके धो। हाँ। सीजर नहा रहा और मम्मी और दीदी की लड़ाई हो रही है। मम्मी का मन कर रहा खुद ही जाके कर ले, मन कर रहा पकड़ ले, नहीं निचोड़ दे, ये निचोड़ दे कपड़ा तोड़ी ना। तुम बाहर नहीं जा पाओगे। बच्चे थे कहें कि ए अपने घर का बच्चा लाओ तो हम भी खेलेंगे हैं, तो हम लोग ले आए। अब भैया वही में शायद मार दी क्या कि रुबिया को, रुबिया रोने लगी और हम अपना घर का है काहे रोया मेरा बच्चा एकदम एकदम। हम भाई उस समय हमारे घर वही पहला बच्चा मतलब, अब हमको अच्छा उसकी मम्मी सामने बैठी थी, हमको जिनका तुम वो काट मार दिया उसको, नहीं वो बच्चा परेशान कर रहा था, हमको तुम ली क्यों फिर परेशान कर रहा था। जब उसकी मम्मी चली गई उनका अच्छा बाद में उनको बताया, हम बहुत शैतान थे, एकदम एक्सट्रीम लेवल के शैतान थे, जैसे बारिश हो तो उसमें इतने इतने पानी में चलते थे, जब डूबने लगे तो कोई मोहल्ले को उठा के ऐसे रखा था घर में, ये हाल था मेरा। अब भैया उनमें मैंने कहा आना तुम शाम कुछ खेलेंगे, तो कहें हाँ शाम को आई ले गए घर के अंदर, दरवाजे के पीछे इतना तीज दांत काटे कौन जम गया, सब लोग कहाँ रो रही कहाँ, और फिर भगा दी। तो जब सब लोग मारने को उठा मम्मी की क्या की, क्यों मैं इसको दांत काटी, क्यों मारी, तुमका की ना हमारे बच्चा को सवेरे मारी थी, तो बच्चा में रुआ था इसलिए इसको इस समय हम मारे। अम्मा के सबसे मोहल्ले में लड़ती रहती है, सबसे वो करती रहती ऐसे, उस समय तो 3-4 साल के रहे होंगे, तो हमारे यहाँ काम वाली खाना बर्तन सब थी। तो उन निकल जाते थे बुलाने, जैसे लेट हो गए तो हम लोग के गली के दूसरी गली में रहते थे, उनको बुलाने जाते थे, जा रहे थे तो बच्चे कंचे नहीं खेलते हैं, वो खेल रहे थे। तो एक हमारे यहाँ बहुत नामी गुंडा थे ललू सिंह गुंडा, उनका लड़का भी खेल रहा था, नहीं उनका लड़का ना वो उनके यहाँ वो था बकरा खूब बड़ा सा, उसने क्या किया वो कहा कि सू सू, और मैं हरामी नंबर वन, क्योंकि पापा को कहते थे कि मेरा लड़का है लड़का है, तो मैं उसी तरह से पकड़ी उठाई ईंट और दे मारी, और मारने के बाद इतनी तीज भागी, भैंसों का तबेला था उसके अंदर से हम लोग सटाक से आते थे तो कम घर में आ जाते थे, इतना नज़दीक था हमारा घर, भाग के आ गए। तो शाम को उनके हमारे पापा बहुत नामी थे वहाँ बैंक मैनेजर, वहाँ बहुत पढ़े लिखे पहले के ज़माने में थे। अब भैया शाम को पापा ऑफिस से तो वो आए, उनके पापा कहे बाबू जी आपकी ना बिटिया हमारे लड़के को मार दी, कहें हैं हमारी चोरी चोरों से कम है के पापा कहें कि मेरी बेटियां तो निकलती ही नहीं, कहें हाँ हाँ तो उन लड़कों के साथ में आता, कहें हाँ इन्हीं की लड़की मारी है। तो पापा कहें हैं, तो हमको बुलाया गया कि यहाँ आओ तुम मारी हो, अगर पापा इसने अपना ना बकरा कहा कि सू और मेरे को मार देता तब, पापा कहें तू कितनी बड़ी डायन हो बच्ची, इतने बड़े 18 साल के लड़के को 5 साल की लड़की ईंटा उठा के मार दी, उसका सर फट गया। तो
तो फिर जब वो देखें कि मैं छोटी थी, क्या अच्छा जाने दीजिए बाबूजी ये तो बहुत छोटी है, तो पापा हैं तुम भी, तुम तो कल के व्लॉग में कह रही थी कि निक्की की एक ही हैबिट है गुस्सा करना, मुंह बनाना, ये बोलना, तो कहाँ से मिला है, खून ही नहीं खाए ना, तो गुस्सा करना है वो जो नहीं, हम अपने आप को कम नहीं समझते थे, तो मम्मी मारे चोरे चोरे से कम है क्या वाला, कभी मैं सूट और पैंट शर्ट नहीं पहनती, अरे वो नहीं पहनती थी फ्रॉक व्रॉक, मैं सिर्फ पैंट शर्ट पहनती थी। जब बड़ी मौसी की शादी तय हो रही थी जब हम लोग हमारे मोहल्ले में ना, मैं चाहूँगी कि हमारी जो बड़ी मम्मी है वो हमारी मौसी भी हैं, तो मम्मी मतलब दो बहनों की शादी एक ही घर में हुई है और मुझसे डैडी छः भाई थे, तो पहले जो नंबर के हमारे बड़े पापा हैं वो हमारे मौसा जी भी लगते थे, अब वो रहे नहीं, और हमारे बड़े पापा भी लगते हैं, और हमारी बड़ी मम्मी हमारी बड़ी मौसी भी लगती हैं। तो जब उनकी शादी हो रही थी तो मम्मी उस समय 4 साल की थी, तो उस समय की स्टोरी बताई, देखिए डेस्टिनी क्या होती है इस चीज़ से पता चलता है। नहीं जब हम छोटे से थे तो 4 साल के थे, तो जैसे पहली बार हमारे यहाँ जयमाल हो रहा था, तो जयमाल पे हमारी दीदी लहंगा वहंगा पहन के, तो ये हुआ उसके साथ बच्ची जाती है, तो मैं अपना मेरे लिए खूब अच्छा लहंगा वहंगा बनवाया गया, तो मैं उनके साथ सच के बैठी थी, है तो नीचे हॉल था उसमें हम लोग बैठे थे, बारात आया तो सब लोग जैसे ऊपर जा रहे थे खाना खाने, पहले बैठा के जमीन पर खिलाया जाता था ना, तो डैडी देखे थे अरे अरे देखो देखो अपने दोस्तों से, अरे छोटी सी दुल्हन छोटी सी दुल्हन, तो क्या कहें डैडी मम्मी से छोटे से थे, तो कह रहे अरे ये छोटी वाली दुल्हन देखे मैं इससे शादी करूंगा, तो अब उस समय तो हम लोगों को ज्ञान ही नहीं था, मुझे तो ये था कि अगर मेरी दीदी जाएगी तो फिर मैं भी जाऊंगी और मिठाई खाएंगे हम लोग, इतना हमारे घर मिठाई बना हम मिठाई खाएंगे, हमको तो ये सब रहता है, तो हम लोग बैठे थे पागल ऐसे करके, हम लोग हम अपना उधर मुकर के जयमाल के चक्कर में जाएंगे, जयमाल के लड़ी फ्लट कर रहे थे, डैडी कह रहे अरे छुटकी जो है ना दुल्हन इससे हम शादी करें, कौन जान रहा था कि मुँह पे लिखा है और हो गया, मतलब इंसान जो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बचपन में डैडी जो एक वर्ड बोले कि मैं शादी करूँगा, उस इंसिडेंट के ठीक 20 साल बाद, 20 नहीं उस इंसिडेंट के 19 साल बाद मम्मी डैडी शादी हो गई, क्या बात है। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, डैडी तो हमेशा अपनी स्टोरी बताते थे, आज मम्मी ने अपनी स्टोरी बताई है कि वो बचपन में कितनी शरारतें करती थी, मारे छोरी छोरे से कम है क्या, ऐसा एटीट्यूड था मम्मी नाना जी का मम्मी को लेकर के। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैसी लगी मम्मी की स्टोरी जरूर बताइएगा कमेंट में, और अपना बेस्ट पार्ट जरूर लिखिएगा कमेंट में आपको जो बेस्ट लगा हो वीडियो का, और आज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्पेशली बनल बाय नैन्सी, बट अब मैं सो गई थी और जब केस ने बोला कि नैन्सी ने बोला तो आपके लिए क्या है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।